तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। तो फाइनली आपके सामने एक टोयोटा की फॉर्चुनर लेके आया हूं, जो कि 2014 का मॉडल है। तो आप देख पा रहे हैं इसका दोनों के दोनों एयरबैग खुल चुका है। एक्सीडेंट हुई थी, काफ़ी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन बट अभी बाहर का तो काम हो चुका है। इसका बाहर का डेंटिंग पेंटिंग का काम हो चुका है, तो अब इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आई है गाड़ी। तो इसका काम क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले एयरबैग रिप्लेस होगा, और ये ड्राइवर साइड एयरबैग रिप्लेस होने वाला है, पैसेंजर साइड एयरबैग रिप्लेस होने वाला है। उसके बाद डैशबोर्ड जो है ना, ये जो चीज़ें टूट जाती है ना, तो इसमें ये डैशबोर्ड रिपेयर होने वाला है, रिपेयर के लिए भेजेंगे, देखता हूँ रिपेयर होता कि नहीं। समझो इसका सभी चीज़ें रिपेयर होने वाला है, सिर्फ एयरबैग नया डलने वाला है। तो इसका मैं डैशबोर्ड खोलूँगा, किस तरीके से खोला जाता है। अपने इंडिया में जो फॉर्चुनर है सेम टू सेम है, लेकिन बट सिर्फ इसका स्टेयरिंग राइट साइड लेफ्ट साइड देता है, अपने उधर का फॉर्चुनर में स्टेयरिंग राइट हैंड साइड रहता है, बस और कुछ नहीं। तो सीट बेल्ट भी देख लीजिए, ये फुल टाइट है, ये टूट चुका है। और ड्राइवर साइड का सीट बेल्ट देख लीजिए, तो सीट बेल्ट भी रिपेयर होने वाला है, यूँ समझ लीजिए। तो देखते रिपेयर होके सक्सेस होता है या नहीं होता है, मैं तो हर वीडियो में यही बोलते आया हूँ, क्योंकि सीट बेल्ट एयरबैग तो नया डलेगी ही, क्योंकि एयरबैग तो रिपेयर होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सीट बेल्ट रिपेयर करने वाला है, तो यहाँ पे रिपेयर नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला हूँ, बाहर जाएगा रिपेयरिंग के लिए। तो देखते हैं रिपेयर होता क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप यानी कंप्यूटर में यानी स्कैनर में दिखा देता हूँ कि इसका क्या क्या कोड आ रहा है। तो चलो स्कैनर में चलते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं OBD2 लगा चुका हूँ, ये रही, और अपना ये स्कैनर, इसको डायग्नोसिस में जाते हैं। इग्निशन ऑन कर देता हूँ, गाड़ी कंडीशन में, गाड़ी चालू है। यहाँ से मैं अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, यहाँ से मैं टोयोटा सेलेक्ट करता हूँ। टोयोटा आ गया, बस ये करके इसके वजह से दिखा रहा हूँ। कोड तो बहुत सारा आएगा, लेकिन सिर्फ अपने एयरबैग में चेक करने का है, क्योंकि एयरबैग का काम करने का है अपने को। ऑटो सिलेक्शन में चलते हैं, रीड करता हूँ इसका VIN नंबर। तो फॉर्चुनर हाइलक्स इनोवा किजंग इनोवा, तो अपना फॉर्चुनर है 7 से 2009 यही मॉडल दिखा रहा है, पहला वाला ही क्लिक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल VVS, विदाउट नहीं है, विथ है अपना। फॉर्चुनर 2007 का मॉडल सेलेक्ट किया था, वही आ रहा है, लेकिन जो कि 2014 का मॉडल है ये 7 से 9 का। डायग्नोसिस ऑटो डायग्नोसिस, अपने को इंजन उंजन में कुछ चेक करना नहीं है, सिर्फ SRS का सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं, इंजन में वैसे कोई फॉल्ट है ही नहीं। SRS आ चुका अपना, तो देख रहे हैं 9 कोड दिखा रहा है, इसको क्लिक करता हूँ SRS वाले को।
ट्रेवल कोड में जा रहा हूँ। देखिए ड्राइवर साइड स्क्वायर सर्किट ओपन, पैसेंजर स्क्वायर सर्किट शॉर्ट, प्रोटेशनल स्क्वायर ड्राइवर साइड सर्किट ओपन, उसके बाद प्रोटेशनल पैसेंजर साइड सर्किट ओपन, ड्राइवर साइड स्क्वायर सर्किट ओपन। हिस्ट्री में सब हिस्ट्री में दिखा रहा है और बाकी करंट में दिखा रहा है। मतलब जो जो चीज़ें सामने दिख रही है कि दोनों के दोनों सीट बेल्ट ख़राब हो चुका है, दोनों के दोनों एयरबैग ख़राब हो चुका है। तो चलो इस सब चीज़ों को खोलना स्टार्ट करते हैं। ज़रा एक बार मैं गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ आपको। गाड़ी चालू हो चुकी है, सिर्फ एयरबैग की लाइट आ रही है, बाकी वो कोई लाइट नहीं आ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो चलो गाड़ी बंद कर दिया और चलो अब खोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड की तरफ से खोलना चालू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरे वीडियो में मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बैटरी वायर रिमूव करके आते हैं। तो फाइनली बैटरी वायर निकाल चुका हूँ। तो सबसे पहले अपन जो निकालेंगे इसका एयरबैग निकालेंगे। ये वीडियो में सब वीडियो में पहले मैं कंसोल बॉक्स से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ये वीडियो में मैं सबसे पहले जो निकालूंगा इसका एयरबैग निकालूंगा। तो एयरबैग निकालने के लिए अपने को एलिंकी दिया हुआ रहेगा। ये देख पा रहे हैं, ये एलिंकी इस साइड दिया, एक इस साइड दिया रहेगा। तो दोनों एलिंकी मैं खोलता हूँ। तो फाइनली दोनों साइड से एलिंकी खोल चुका हूँ, अभी अपना इजीली निकल जाएगा। तो देख पा रहे ये निकल चुका। तो अपन अभी ये दोनों एक एयरबैग का सॉकेट और एक हॉर्न का सॉकेट निकाल देते हैं। तो ये वाला सॉकेट निकालने के लिए इस तरीके का इसको डॉर चाहिए आपको, उसके बाद इधर डालना है, गैप दिया हुआ रहेगा इधर। ये निकलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये देख पा रहे हैं ये पूरा मेल्ट हो गया है, जल गया है। तो इसको मेरे को सेफ्टी से निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं निकालता हूँ इसको। तो फाइनली इसको निकाल दिया, लेकिन ये टूट गया क्योंकि ये पूरा मेल्ट हो गया, देख पा रहे हैं आप। ये कंडीशन में निकालना पॉसिबल नहीं रहता है। और इसके बाद हॉर्न का ये निकाल दिया हूँ, इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब ये 19 नंबर का नट है, नट खोल देते हैं। 19 नंबर का नट खोलने के लिए अपने को ये मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली। तो इसको लगा देते हैं और इसको खोलने में ले लेते हैं। तो ये फाइनली खुल चुका। तो स्टीयरिंग सीधी पोजीशन में रखा हूँ मैं अभी, टायर वगैरह देख लेना सीधी पोजीशन में है या नहीं है। इसको थोड़ा सा थोक देना, ये इजीली अपना निकल गया। तो इसको पीछे होल कर देता हूँ स्टीयरिंग व्हील को। अब अपने को खोलना है एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये, और एक एक नीचे दिया इधर। तो ये तीनों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो इसको सही पोजीशन में रखना, जो पोजीशन में खोले थे वही पोजीशन में ध्यान से रखना इसको। जब तक ये ना खुले अब तक इसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि ये घूम सकता है, कभी भी बोल नहीं सकते इसको। तो चलो इग्निशन स्विच निकाल दिए और की निकाल दिया मैंने सिलेंडर से। उसके बाद ये स्क्रू खोल दिया हूँ तीनों, उसके बाद ये निकल जाएगा अपना। तो फाइनली ये भी निकल चुका। उसके बाद ये मीटर का, उसके बाद ये वाला खोलने जा रहा हूँ। तो अभी गियर शिफ्ट तो होगा नहीं, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ रहता है इसको दबाने का, फिर ये गियर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो गया, अब ये यहाँ का कवर निकाल देने का ये। उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे ये करेगा, तो इसको घुमा के खोल देने का।
डबल गियर है इसमें। उसके बाद ये निकल गया। उसके बाद एक 10 नंबर यहाँ पे, एक 10 नंबर यहाँ पे, उसके बाद एक 10 नंबर यहाँ, उसके बाद 2 10 नंबर यहाँ पे दिया है। तो चलो ये सब मैं खोलता हूँ। तो फाइनली सभी बोल्ट 10 नंबर का खुल चुका है इसका। तो एक साइड में क्लिप भी रहता है इसको, एक इस साइड भी रहता है। तो ये दोनों चीज़ें खोल दिया हूँ, सब खुल चुका अपना इसका। ये अपना इसमें बाहर आ गया, तो पीछे होल्ड कर दिया। अब जो है इसका तलाजा किस तरीके से खुलेगा वो भी चीज़ें मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगा। ये सिर्फ एयरबैग मॉड्यूल खोलना पड़ेगा, उसके बाद इधर से स्क्रू दिया हुआ रहता है। इसका डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस साइड से आपको ब्लोअर मोटर का सेटअप निकालना पड़ेगा बस, और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे से इसका तलाजा इजीली निकल जाता है, यानी बोले तो इवेपोरेटर कॉइल। चलो अब इस साइड आ जाते हैं। इस साइड से अपन एयरबैग क्लॉक रिंग निकाल देते हैं। एक ये सॉकेट है, और ये वाला सॉकेट जो है ना कन्फ्यूज़न होता है खोलने के लिए बहुतों को। तो अब मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं, ये इस तरफ प्रेस हो रहा है, एक चीज़ है, फिर ये खुलता है। खुल चुका है। अब अपना क्लॉक रिंग का फंडा सब ख़त्म हो गया। अब ये अपना इजीली निकल जाएगा। देखना है किस पोजीशन में था, ये सीधे पोजीशन में रख के टेप वगैरह लॉक कर दे इसको। वैसे इसमें तो ये नया डलेगी, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के लिए बोल देता हूँ। तो चलो इसको मैं सेफ्टी ये टैप मार देता हूँ। के बाद ये हेडलाइट का स्विच वगैरह निकालना है, वाइपर ब्लेड वगैरह का स्विच। तो एक सॉकेट ये है, एक सॉकेट ये है, उसके बाद एक सॉकेट ये है, ये वाली को निकालनी नहीं पड़ेगी। और एक क्लिप दिया हुआ रहता है ये वाली, इसको खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो चलो ये क्लिप निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये क्लिप निकाल के ये लॉक रहता है यहाँ पे, यहाँ पे ये वाली इसमें दबा हुआ रहता है। तो ये लॉक भी ऊपर लेना है आपको, उसके बाद लेने के बाद ये निकल जाता है इजीली। अब अपने को निकालना है मीटर। मीटर में क्या क्या दिया है, एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये, ऊपर से स्क्रू खुला हुआ है पहले से, लगता है मीटर किसी ने खोला है इसका, खुला हुआ है, लगाया नहीं, फिटिंग नहीं किया है। तो चलो ये दोनों स्क्रू खोल देता हूँ, मीटर बाहर लेता हूँ। तो ये मीटर का स्क्रू भी खुल चुका, अभी अपना इजीली निकल जाएगा। इसका तो वायरिंग का किसी ने तो पूरा तहस नहस करके रखा है। तो चलो ये दोनों सॉकेट निकालता हूँ। उसके बाद साइड पैनल खोलना पड़ेगा, इसके अंदर 8 नंबर या 10 नंबर कुछ दिया हुआ रहेगा या स्क्रू दिया हुआ रहेगा। तो ये चीज़ें खोलता हूँ मैं। उसके बाद नीचे से खोलना पड़ेगा ये वाला चीज़ें, उसके बाद स्क्रू रहेगा नीचे, ये 10 नंबर ये है, डैशबोर्ड के साथ है ये। तो इसका डैशबोर्ड 2 भागों में निकलेगा, तो वो नीचे वाले में अभी नहीं जाएंगे, ऊपर वाले में ही जाएंगे। तो टेप निकाल देते हैं। इस तरीके से डालना है इधर। देखो दिखाओ इधर, ये निकल गया इसका कवर, ये टेप टूटा हुआ है बिल्कुल, निकलना नहीं चाहिए था लेकिन निकल गया। उसके बाद ये केबल वाला सिस्टम आ गया। तो ये केबल यहाँ से मत निकाले, कंट्रोल पैनल को अलग कर दे बस, क्योंकि ये बहुत मचान वाला काम है। तो चलो इसको मैं केबल निकाल देता हूँ सब। तो फाइनली इसके सभी सॉकेट निकाल चुका हूँ, और ये कंट्रोल पैनल को इसको अलग कर देना है ऐसा, इसको यहाँ फिक्स कर देना, रख देना है, क्योंकि डैशबोर्ड के साथ इसको निकालना नहीं है अपने को। तो चलो
ग्लो बॉक्स खोल देते हैं। इतना इजीली ग्लो बॉक्स निकल गया। उसके बाद इधर भी 10 नंबर वगैरह है, तो पहले अपने को ऊपर वाला निकालना है, तो टेप वगैरह बाहर निकालना है। एक 10 नंबर, एक ये दो, एक ये तीन, एक चार दिया है 10 नंबर। निकलने के बाद टेप निकल जाएगा। तो चलो यार टेप निकालता हूँ पहले। तो टेप का फाइनली चारों बोल्ट खोल दिया हूँ, अभी इजीली बाहर आ जाएगा। तो इसमें बस 3 सॉकेट लगी है, ये तो एक हाथ से जम नहीं रहा अपने को निकालने में। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये भी खुल चुका है, इसको पीछे होल्ड कर देते हैं अपन। उसके बाद अब मीटर दिख रहा है एक, ये वाली, तो डैशबोर्ड के साथ तो ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें वायरिंग लगी है। तो सॉकेट खोल देते हैं इसका। तो फाइनली अपना इधर का भी खुल चुका है। यहाँ पे 10 नंबर था हैंडल में, सेम उस साइड 10 नंबर था, और बाकी स्क्रू, एक स्क्रू इधर का खोला हूँ, ये मीटर के साथ दिया हुआ था तो ये पहले ही खुल चुके थे अपन। उसके बाद एक स्क्रू ये खोलना पड़ेगा, यहाँ का टेप के साथ तो पहले था, और ये सॉकेट वगैरह निकाल दिया हूँ यहाँ का क्योंकि ये डैशबोर्ड के साथ ही आएगा। इसको खोलना, जब खोलने के लिए जाओ तो बड़ा मसला करेगा, इसकी वजह से इसके साथ निकाल दिया हूँ इसको। उसके बाद एक स्क्रू ये, उसके बाद ये खींचेंगे निकल जाएगा। उसके बाद 12 नंबर एयरबैग वाली, ये दोनों खोलता हूँ और सॉकेट निकालता हूँ, और डैशबोर्ड ऊपर का निकाल के दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना सब खोल चुका हूँ, अब देख पा रहे डैशबोर्ड अपना इजीली बाहर आ गया है। तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ, अब बाहर लेकर के फिर आगे तो कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ अपने को डैशबोर्ड का काम है, कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं। और कंसोल बॉक्स खोला गया है, यहाँ पे एयरबैग मॉड्यूल है इस वजह से। तो चलो इसको बाहर लेता हूँ। तो फाइनली अपना ऊपर का डैशबोर्ड खुल चुका, देख पा रहे, और अपने को नीचे की तो खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट इसका एयर कंडीशन का काम है इसमें, तो आई थिंक इसका इवेपोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है। तो इसको मैं इधर से ही खोलूँगा, ये बाहर निकालूँगा नहीं, हो सके तो निकालने की ज़रूरत पड़े तो निकाल दूँगा मैं, लेकिन बट उम्मीद कम है कि निकालूँगा। तो चलो अब पीछे चलते हैं अपन, सीट बेल्ट वगैरह खोलते हैं, ये वाला सीट बेल्ट और ये सीट बेल्ट खोलने के लिए लग जाते हैं। तो चलो मैं पीछे जाके आपको फिर दिखाता हूँ, अगर हो सके मैं ये खोलूँगा तो ये दिखा दूँगा ये आपको। तो फाइनली पीछे साइड आ गया हूँ। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं ये सीट बेल्ट कितना टाइट है, इधर कैप रहता है, ये कैप निकाल देने का। उसके बाद 14 नंबर बोल्ट रहेगा इसको खोलने का, काफ़ी बोल्ट भी बैंड हो गया, आप सोच सकते हैं कितना फास्ट ये काम करता है। तो चलो इसको मैं खोलता हूँ, एक नीचे दिया है एक ऊपर दिया है, दोनों खोलता हूँ। तो दोनों बोल्ट खुल चुका, उसके बाद जो है ये निकालना है अपने को, ये भी निकाल देना है। आगे वाला साइड का भी निकालना है। उसके बाद अपना ये रबड़ भी निकाल देना है। उसके बाद अपना ये इजीली निकल जाएगा। तो चलो फाइनली इसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली एक 10 नंबर यहाँ दिया हुआ रहता है, तो ये खुल गया अपना,
और ये सॉकेट निकाल दिया हूँ। अब ये देख लीजिए सीट बेल्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये देख लीजिए कौन से साइड का है, इसमें लिखा हुआ रहेगा कहीं ना कहीं। ये देख लीजिए आर का ये किया हुआ है, इधर आर का मार्क दिया हुआ है, यानी आर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड का है ये। आर एस तो कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आर लिखा है, राइट हैंड साइड का है ये, क्योंकि राइट हैंड साइड का ही खोला हूँ। तो चलो इसको छोड़ देते हैं अपन, अब चलते हैं उस साइड लेफ्ट हैंड साइड का खोलने के लिए। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आ चुका हूँ, ये 14 नंबर का खोलना है और नीचे 14 नंबर का खोलना है। तो इस साइड का बेल्ट देख पा रहे हैं बिल्कुल लूज पड़ा है, क्योंकि ड्राइवर साइड का है इस वजह से ये लूज़ है, और पैसेंजर साइड को पूरा सीट में चिपका देता है। तो चलो फिर 14 नंबर दोनों खोलता हूँ मैं। तो फाइनली 14 नंबर नीचे का भी खुल गया, ऊपर का भी खुल गया। अब ये कवर निकाल देता हूँ इस साइड से और इस साइड से। तो फाइनली ये निकल चुका। उसके बाद एक 10 नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है ये वाली 10 नंबर खोलना है और सॉकेट निकालना है ना, सीट बेल्ट निकल जाएगा। तो फाइनली सीट बेल्ट निकल गया, अब ये सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो फाइनली सीट बेल्ट निकल चुका, तो अब इसमें देख लेते हैं कहीं L लिखा हुआ है या नहीं है, क्योंकि वो इसमें R लिखा हुआ था, तो इसमें L लिखा हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा लिखा हुआ। इसमें भी R ही लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ें फिर नहीं है, उसमें भी R लिखा हुआ है, तो मेरे को तो दिखा नहीं कहीं L या R। चलो उसमें भी जाके देख लेते हैं कहीं लिखा हुआ है या नहीं है, क्या फंडा है इसका, दोनों में एक ही जैसा लिखा हुआ है। तो चलो बाहर चलते हैं, अपन आपको दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली डैशबोर्ड सीट बेल्ट, तो डैशबोर्ड का रिपेयर क्या करना है, बस ये चीज़ों को जोड़ना है। सॉरी, इसका डैशबोर्ड जो है ना, ये एयरबैग जो है बाहर से फिटिंग हुआ है, डैशबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मतलब एयरबैग चेंज करेंगे हो जाएगा इसका काम। ये सीट बेल्ट में कहीं पे भी कोई मार्क किया हुआ नहीं है, ना तो आर, दोनों में सेम चीज़ें लिखा हुआ है, मतलब ये सीट बेल्ट इधर का उधर बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई मार्क किया हुआ नहीं है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का है या राइट हैंड साइड का है, और दोनों का सेम पोजीशन किधर भी बैठा हो वो बैठ जाएगा। तो इससे पता ये चल रहा है, ये वाला सीट बेल्ट इसमें तो जान आ गया, जो कि ड्राइवर साइड की तरफ का खोला था, इसमें जान आ चुका है। तो ये सब कुछ दोनों सीट बेल्ट रिपेयरिंग के लिए जाएगा, देखते हैं रिपेयरिंग होता है या नहीं होता है। इसका डैशबोर्ड से तो कुछ मसला नहीं है, ये जो हो सकता है अगर नए न्यू वाले एयरबैग में ये चीज़ें अगर ना देता हो तो इसको बनाना पड़ेगा। तो चलो, सीट बेल्ट का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि सीट बेल्ट रिपेयर कोई भी कंपनी बोलती नहीं है कि सीट बेल्ट रिपेयर करो, डायरेक्ट न्यू डलवाने के लिए बोलता है। तो चलो देखते हैं, एक सीट बेल्ट तो अपना डैमेज लग रहा है अभी से, और दूसरा सीट बेल्ट में ठीक है। तो चलो ये सब भेजते हैं, भेजने के बाद वापस जब आता है फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगा। तो गाइस, फाइनली आपके सामने एयरबैग आ चुकी है, देख पा रहे हैं, और एक ये रही एयरबैग। लेकिन बट आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये एयरबैग रिपेयर किया गया है। रिपेयर क्या किया गया है कि इसका कवर को चिपका दिया गया है,
उसके बाद इसको अच्छे से कलर मार दिया गया है, देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कस्टमर का कहना है कि ये गाड़ी को सेलिंग करना है, इस वजह से ये थुपट्टी वाला काम किया जा रहा है। तो कभी भी आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें देख करके ही लेना। वही एयरबैग निकाल के इसको रिपेयर करके चिपका करके फिर वापस से बैठाया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं कलर किया हुआ है, आपको क्लियरली देखने को आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, सब कलर किया हुआ है, सब चीज़ें वही बैठेगी पुरानी वाली। क्योंकि इसमें खर्चा, एयरबैग का जितना खर्चा होएगा उतने में इसको गाड़ी सेलिंग हो नहीं पाएगा, इस वजह से इसको रिपेयर करके लगवाया जा रहा है और कस्टमर को चूना लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं इसकी वजह से दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो चलो मैं इसको इसके हॉल में फिटिंग कर देता हूँ। तो फाइनली फिटिंग हो चुका, तो चलो अब मैं इसको गाड़ी में वापस से बैठा रहा हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड डल चुकी है, देख पा रहे हैं। तो चलो ये सब मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। वैसे इसका भी देख पा रहे हैं पूरा फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल काम ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट काम डुप्लीकेट होता है। तो चलो इसको मैं पूरा फिटिंग करता हूँ, जो जो खोला है वो सब फिट करता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं ये सब कुछ फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से मीटर वगैरह, डैशबोर्ड वगैरह, एयरबैग वगैरह सब बैठ चुका है, साइड का पैनल वगैरह सब बैठ चुका है, ये वाला कवर भी बैठ चुका है, एयरबैग रिंग क्लॉक स्प्रिंग भी बैठा दिया हूँ, और उसके बाद मीटर का कवर बैठाना बाकी है, मीटर लग चुका है, सब कुछ फिट हो गया, स्टीयरिंग लगाना बाकी है। तो सबसे पहले आप जो इस क्लॉक रिंग लगाने के बाद एक बार जो है ना इसका क्लॉक रिंग चेक कर लेना। एयरबैग की तो लाइट आएगी, ये सॉकेट नहीं लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लाइट आएगा ही आएगा। तो हॉर्न एक बार चेक कर लेना कि हॉर्न बज रहा है क्या नहीं बज रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं एक बैटरी की वायर लगा देता हूँ, एक तो लगी हुई है, दूसरा लगाना है अपने को। तो ये लगा दिया, एक बार सिर्फ अपने को हॉर्न चेक करना है कि हॉर्न बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो हॉर्न की वायरिंग अर्थ में लगाएंगे, तो ये अर्थ देंगे इसको तो बजने लगेगा, नहीं बज रहा है। ज़रा इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। तो शायद के इग्निशन ऑन करने पे भी नहीं बज रहा है, तो आई थिंक इसका फ्यूज़ गया रहेगा। इग्निशन ऑफ पे भी हॉर्न का हॉर्न चलना चाहिए, इसको बंद कर देता हूँ, बाहर चलते हैं। इसका फ्यूज बॉक्स बाहर दिया हुआ है, तो फ्यूज बॉक्स खोलते हैं, कवर ऊपर का हॉर्न का ये वाला है 10 एम्पियर, मतलब यहाँ पे ये वाला है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं फ्यूज़ को, फ्यूज़ गया हुआ है क्या। ये रही टेस्टर अपना, इस तरीके से इसमें लगा दिया। सबसे पहले टेस्टर चेक कर लेता हूँ, ये बैटरी का प्लस है तो लाइट ग्लो कर रहा है। तो हॉर्न का ये वाला है, लाइट नहीं आ रही है इसमें, इसमें आ रही है, मतलब ये फ्यूज़ गया हुआ है, इसमें आ रही है, जल रहा है, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे नहीं ग्लो कर रहा है, ये फ्यूज़ डालता हूँ मैं। ये फ्यूज़ पुलर, ये स्पेयर वाला फ्यूज़ है, पहले इसको निकाल के फेंक देते हैं। ये रही स्पेयर फ्यूज़, इसमें डाल देता हूँ, इसको वापस से इधर लगा देता हूँ। अब चलते हैं चेक करने के लिए, चल रहा है क्या नहीं हॉर्न, देख पा रहे हैं बज रहा है, यानी क्लॉक रिंग सही है, ये वाला कनेक्शन सही है हॉर्न का। अब एयरबैग का कनेक्शन जब तक इसको जोड़ेंगे नहीं, अब तक मालूम नहीं पड़ेगा। तो अपने को इसको छेड़छाड़ करना नहीं है, क्योंकि दोनों को देनूँ, एयरबैग ख़राब हो चुका है, सीट बेल्ट ख़राब हो चुका है, मॉड्यूल रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। तो इसको छेड़खानी करेंगे नहीं अपन, ऐसे ही लगा देंगे। तो चलो आगे का अब अपन फिटिंग करते हैं, स्टीयरिंग वगैरह ये सब फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ, और बैटरी वायर रिमूव कर देता हूँ। तो चलो फिर करते हैं अपन।
तो फाइनली स्टीयरिंग भी डल चुकी, मीटर का कवर भी बैठ चुका। अब अपने को एयरबैग लगाने का है, तो फाइनली कलर वाला एयरबैग आपके सामने है, जो कि ये निकालना पड़ेगा। लोगों को कवर किया था ये कलर करने के लिए, तो चलो ये एयरबैग लगा देते हैं। ये काम का तो कुछ है नहीं, बस सैंपल के लिए है, तो चलो इसको लगाता हूँ मैं। तो फाइनली स्टेयरिंग एयरबैग सब फिट हो चुका, देख पा रहे हैं। तो चलो अब पीछे सीट बेल्ट फिटिंग करने के लिए चलते हैं। सीट बेल्ट तो वही है, सीट बेल्ट बस इसको किया क्या गया है कि इसके अंदर जो लॉक रहती है वो तोड़ दिया है, और बाकी ये अभी सही काम कर रहा है। बाकी ये इसका जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो चीज़ें नहीं देगा, बाकी सब सही चलेगा। तो चलो पीछे मैं फिटिंग करता हूँ, पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ड्राइवर साइड का सीट बेल्ट लगा चुका हूँ, देख पा रहे हैं इसमें जान आ चुकी है। वैसे वीडियो में मैंने दिखाया था कि इसमें प्रेशर आ चुका है, यानी पहले लूज़ था बिल्कुल, ये जा ही नहीं रहा था वापस, लेकिन अब उस टाइम भी वापस जा रहा था, लेकिन लास्ट में ये पोजीशन में आके अटक जा रहा था, तो इसको सही किया गया है फिर से वापस से। तो चलो इसको मैं फिटिंग करता हूँ। ये बोल्ट तो यहाँ पे लगेगा बाद में, तो इसका कवर लगा देता हूँ और ये टाइट कर देता हूँ। सॉकेट लगा दिया हूँ, जैसा था वैसा ही लगा दिया हूँ। तो चलो फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली इस सेट का फिट हो गया, देख लीजिए। सही काम कर रहा है बस, और ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें इससे कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो भी है वो सब सिग्नल चीज़ें निकाल लिया गया इसका। तो चलो अब मैं राइट हैंड साइड का तरफ चलता हूँ और उस साइड दिखाता हूँ। तो फाइनली राइट हैंड साइड आ चुका हूँ और सीट बेल्ट बैठाने जा रहा हूँ। ये रही सीट बेल्ट अपना, तो आप ये मत सोचना कि दूसरा सीट बेल्ट बैठा है, वही सीट बेल्ट है। तो चलो इसको मैं बैठाता हूँ इसमें। तो फाइनली सीट बेल्ट बैठ चुका, अब मेरे को ऊपर का कवर लगाना है। ऊपर का कवर लगा के फिर फाइनल दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली सीट बेल्ट अपना पूरा फिट हो चुका, देख पा रहे हैं। तो चलो अब अपन चलते हैं आगे, गाड़ी चालू करके, एसी वगैरह चालू करके, बैटरी वगैरह लगा करके, फिर अंदर आ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, बैटरी वायर सब कनेक्शन कर चुका हूँ, और सबसे पहले गाड़ी भी देख लीजिए प्रॉपर तरीके से सब A to Z फिट हो गया। एयरबैग देख पा रहे हैं, कोई देख के ऐसा समझिएगा कि ये गाड़ी नई कंडीशन में है, नई एयरबैग है, यानी कुछ ख़राबी उसमें को दिखेगा नहीं, लेकिन बट इसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या पार्ट गया हुआ है, वो चीज़ें अपने को मालूम है, क्या क्या चेंज करना चाहिए, चेंज किया नहीं गया। और ये गाड़ी मेन है बेचना, कस्टमर को मेन है बेचना। तो चलो सबसे पहले वो सब बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले गाड़ी चालू कर देता हूँ और इसका कूलिंग वगैरह आपको मैं भी दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं लाइट वगैरह, एयरबैग की लाइट तो अभी ही ब्लिंक कर रही है, लेड बैग की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन وإنا إلى ربنا لمنقلبون لسلامتكم الرجاء ربط حزام الأمان। तो एयरबैग की लाइट चली जानी चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं गाड़ी चालू करता हूँ। गाड़ी चालू हो गई, देख पा रहे हैं एयरबैग की लाइट आ रही है। तो एसी वगैरह चालू कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो थर्मामीटर लगा के दिखा देता हूँ। वैसे भी आपको तो पता ही होगा इसका कूलिंग टेम्परेचर कितना है। अभी आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अभी देख रहे हैं 24 आ रहा है। तो गाइस बस मैं ये वीडियो के जरिए यही चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत से भाई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के चक्कर में रहते हैं। तो सेकेंड हैंड के चक्कर में जो खरीदने के रहते हैं ना, तो गाइस उनको क्या लगता है कि अरे भाई ये गाड़ी तो बड़ी गाड़ी है, इतनी गाड़ी है, इतनी सस्ती में मिल रही है। अपन उस टाइम वो कस्टमर क्या करता है, लेने के चक्कर में चले जाता है।
तो लेने के बाद फिर उसको बाद में जब कुछ सर्विस वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको पता चलता है कि भाई ये पार्ट गया हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये गाड़ी का प्राइस अगर ये फुल कंडीशन में है 8 लाख 9 लाख रुपए, इंडिया की प्राइस कर रहा हूँ, 8 लाख 9 लाख रुपए है, तो 8 लाख 9 लाख आप एक दो जगह के दो जगह गए वहाँ पे 8 9 लाख रुपए बताया गया। लेकिन बट अब ये कस्टमर क्या करेगा, तुम्हारे को 7 लाख में छोड़ देगा गाड़ी? छोड़ना ही है, क्योंकि इसका एयरबैग बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि इसमें प्रॉब्लम है, तो ये 7 लाख में आराम से छोड़ देगा। तो फिर वहाँ आपको क्या लगेगा कि भाई ये तो सस्ते में दे रहा है, गाड़ी कंडीशन में फुल, बस इसकी लाइट आ रही है कि एयरबैग की लाइट आ रही है, वो खल्ली वल्ली करो। तो मसला तो खल्ली वल्ली की बात है ही है, आपको सेफ्टी नहीं चाहिए तो फिर आपके लिए ठीक है, लेकिन इसमें अगर एयरबैग इंस्टॉलेशन करवाया जाएगा 1-1.5 लाख रुपये इसका ऐसे ही चला जाएगा। तो यही रीज़न है कि बहुत से भाई गाड़ी खरीद रहे हैं कि सस्ते में मिल गया, फला फला भाई ने गाड़ी खरीदा उसको सस्ते में मिल गया। तो ये सब चीज़ें देख के लें, बाकी और कुछ नहीं। इंजन इंजन वगैरह सब कुछ एकदम बिल्कुल फ्रेश है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेफ्टी रिलेटेड चीज़ है, ये सब चीज़ें सेफ्टी के लिए दिया है कंपनी ने, तो आपको ये सेफ्टी चीज़ें रखना ज़रूरी है। बोल नहीं सकते कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए, कब कहाँ ठुक जाए, बोल नहीं सकते आप। तो इसीलिए ये सब सेफ्टी चीज़ें आपको रिपेयर करवाने की आवश्यकता है। अब एक लाइट आ रही है, एयरबैग लाइट आ रही है, वार्निंग लाइट आ रही है कि भाई ये लाइट आ रही है, क्यों आ रही है? अब तुम चेक करने के लिए बोले, चेक करो क्यों लाइट आ रही है। तो आपका तो यहाँ एयरबैग, एक एयरबैग ये वाली ख़राब है, एक वो ख़राब है, एक सीट बेल्ट ख़राब है, मॉड्यूल ख़राब है, सब कुछ तो ख़राब ही ख़राब है। इसी में तो 1-1.5 लाख रुपये एकदम पूरा पकड़ के चलो, एकदम यहाँ तुम्हारा खर्चा जाएगा ही जाएगा। तो इसी वजह से सेकेंड हैंड गाड़ी बहुत से बंदे कम रेट में दे देते हैं, यही रीज़न रहता है। अब इसको अगर ये ठीक करके फिर रिपेयर करके अगर बना के बेचेगा तो फिर वहीं आके बात पड़ेगी कि उतना ही पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें देख के लें, कोई भी चीज़ लें आप देख के लें। यहाँ से तो बिल्कुल बाहर से तो आपको फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को नॉलेज हो, और बाकी कुछ नहीं। तो आप इसका कूलिंग टेम्परेचर देख लीजिए, 7.8 पे आ चुका है, 7.9 7.8 पे आ चुका है। यहाँ पे 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर है अभी यहाँ का। ये मीटर वगैरह मैं तो कहीं दिखा नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। तो गाइस बस यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप जो चीज़ सीख चुका हूँ वो सब चीज़ें आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करेंगे फिर तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। बस आगे बढ़ाना आप लोगों के ऊपर है, तो सपोर्ट कीजिए और कुछ नहीं। तो चलिए फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।